मैनेजमेंट का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके कुछ खास एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सागर अब्बास, आप देख रहे हैं सागर टीवी। आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के, जो कि पोस्ट आर एन बी एस एन के फोर्थ सेमेस्टर के हैं। ये एमसीक्यूज मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज में आते हैं। मैनेजमेंट का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके कुछ खास एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेट दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड सो दैट ईच पर्सन विल परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड पोर्शन। इसमें चार ऑप्शन हैं, डिवीजन ऑफ वर्क है, चैन ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, या यूनिटी ऑफ कमांड है। जिस तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है कि जिसमें डिवाइडेड किया जाए सारा काम अकॉर्डिंग टू पर्सन के परफॉर्मेंस या स्पेशलाइज बेस पे, तो इसका जो आंसर है वो डिवीजन ऑफ वर्क मींस के ए है। क्वेश्चन नंबर टू है, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच इंडिविजुअल शुड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन। मीन्स के कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मैनेजमेंट में कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए कि वो हम एक बॉस को रिप्लाई करें या एक बॉस को आंसरेबल हों। इसका जो इसके जो ऑप्शन है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, चैन ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या यूनिटी ऑफ कमांड। इसका जो आंसर है वो है डी, मीन्स के यूनिटी ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन शो हाउ फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम हायर लेवल मैनेजर टू लोअर लेवल मैनेजर। के मैनेजमेंट का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि इंस्ट्रक्शन जो है ना वो फॉलो होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम या हायर लेवल टू लोअर लेवल तक। तो इसके भी चार ऑप्शन है, डिवीजन ऑफ वर्क है, चैन ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, या यूनिटी ऑफ कमांड है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, मींस चैन ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर फोर है, द प्रिंसिपल दैट सबऑर्डिनेट शुड रिसीव द ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन बॉस इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क है, चैन ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, या यूनिटी ऑफ कमांड है। तो इसका आंसर है डी, मींस यूनिटी ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच प्रिंसिपल मैनेजमेंट लेज स्ट्रेस ऑन टीम वर्क एंड यूनिटी अमंग पर्सनल। कि मैं मीन्स के मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें टीम वर्क होना चाहिए और इसके मेंबर के दरमियान यूनिटी होनी चाहिए। इक्विटी है, ऑर्डर है, स्पिरिट डी कॉर्प्स है, या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। तो इसका आंसर है सी, स्पिरिट डी कॉर्प्स। क्वेश्चन नंबर छः, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन मीन्स सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन पर सुपीरियर, देयर शुड बी यूनिटी अमंग द सबऑर्डिनेट्स, देयर शुड बी यूनिटी अमंग द सुपीरियर, या ए सुपीरियर कैन सुपरवाइज लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इसका आंसर है ए, सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन पर्सन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अकॉर्डिंग टू अ स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए मैनेजर कैन डायरेक्टली सुपीरियर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, द लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, या एक्सपेक्शनली कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर रेफर टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या ईच सब ऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है बी, मीन्स द लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर एट है, डज नॉट बिलोंगिंग हैरी फियोल्स 2514 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से मैच नहीं करता। स्टैंडर्डाइजेशन है, स्केलर चैन है, अथॉरिटी है, या डिसिप्लिन है। इसका आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन, मींस ए। क्वेश्चन नंबर नाइन है, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आर टेलर्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, एलिमेंट ऑफ वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, या फोर ऑफ फियोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका आंसर है डी, ये फोर है फियोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्रिंसिपल इंडिकेट दैट वर्क शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट
प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका ऑप्शन है चार, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इनिशिएटिव है या कोऑर्डिनेशन है। इसका आंसर है ए, डिसिप्लिन। अब हम इसकी की देखते हैं, आंसर की भी, ये उन सब एमसीक्यूज़ की आंसर की है। वैसे हमने बता दिए थे, लेकिन आप इन सबको भी रीड कर सकते हैं।